हेलो स्टूडेंट्स आई एम नरेश कुमार गोड, मैथ्स फैकल्टी मेंबर इन पी सी सी पी रेजोनेस देखिए टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर कंस्ट्रक्शन ओके क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ का चैप्टर है कंस्ट्रक्शन ओके पहले इसका कुछ जो यहाँ पर पढ़ना है इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर अप हैं है अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रीड करेंगे पेंडिक्यूलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ठीक है फर्स्ट ये पढ़ना है आपको नेक्स्ट सेकेंड वन इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल थर्ड वन आपके पास यहां पर आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स एंड फोर्थ टॉपिक जो पढ़ेंगे यहां पर दैट विल बी द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स फोर्थ वन विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स छोटा सा टॉपिक है छोटा सा चैप्टर है और ये फोर यहां पर मेनली इसके फोर टॉपिक्स हैं जो कवर अप करने है पर्पेंडुल बाइसेक्टर ऑफर लाइन सेगमेंट second one is bisector of a line uh, of an angle third one is construction of an angle and last one is construction of triangle okay so take the first one that is perpendicular bisector of a line segment perpendicular bisector of a line segment okay means there will be a given line segment okay and you have to draw a line which intersect it uh, at 90 degree and also bisect this one clear hai ek aapko aisa line form karna hai जो क्या होगा कोई given line segment के लिए उसको 90 degree पर intersect करेगा मतलब 90 uh, 90 degree form करेगा उसके साथ एंड बाइसेक्ट उसको टू इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा क्लियर है आप देखिए क्या होगा इसमें कोई भी सपोज एक लाइन सेगमेंट है आपके पास एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको क्वेश्चन ड्रो अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रो अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट ऑफ सेवन सेंटीमीटर ओके एक सेवन सेंटीमीटर का आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और इसका आपको क्या ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ठीक है देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ सेवन सेंटीमीटर क्लियर है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेवन सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जस्ट लाइक ए बी दैट इज सेगमेंट लाइन सेगमेंट ऑफ सेवन सेंटीमीटर ओके देन अगेन टेकिंग ए एंड बी एज ए रेडियस ए एंड बी को आपको सॉरी टेकिंग ए एंड बी एज ए सेंटर ओके ड्रो टू आर्क्स ग्रेटर देन आपको टू आर्क्स ड्रो करने हैं जो ग्रेटर देन हो गए कहाँ से इसके ए बी जो आपके पास लाइन सेगमेंट है इसके हाफ से ज्यादा मीन्स यू हैव टू ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इसके हाफ से आपको हाफ से ज्यादा आपको कंपास को क्या करना है यहां पर ओपन करना है क्लियर है अब देखिए मेजर करके नहीं करना आप यहां पर देख सकते हो लगभग हाफ यहां पर आएगा तो उससे ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए आपके पास ठीक है नाउ कंपास को आप पुट करोगे कहां पर ए ए पॉइंट पर आपने कंपास पुट किया एंड यू विल ड्रॉ टू आर्स अपसाइड एंड डाउन साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी सेम प्रोसेस बी से आपको फॉर्म करना है बी पर आप कंपास पुट करोगे देन यहां पर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दोगे स्टाइप से ठीक है टू आक्स कट होंगे एक अपसाइड एंड एक डाउन साइड यहां पर कट होगा हो जाएगा इन दोनों कट पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो जो आप ज्वाइन करोगे जो लाइन फॉर्म होगा सपोज इसका नेम पी एंड क्यू है सो यू विल से दैट पी एंड पी क्यू इज अडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इट मीन्स यहां पर ये 90 डिग्री भी फॉर्म होगा और ये जो दोनों पार्ट है सपोज ये ओ है सो एंड बी ओ ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे इक्वल होंगे क्लियर है आप इसके स्टेप्स लिखना चाहो सो इसके स्टेप्स आपके पास हो जाएगी फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक बार लिख देता हूं इसकी स्टेप्स कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपके पास हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या ड्रॉ किया ड्रो अ लाइन सेगमेंट ड्रो अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर आपने सेवन सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ओके नेक्स्ट वन टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर टेकिंग एंड बी ए सेंटर एंड रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी ए बी के हाफ से ग्रेटर आपको रेडियस लेना है टेकिंग रेडियस ड्रो टू आर्स या कट टू आर्स आप लिख सकते हो यहां पर कट टू आर्स ध्यान देना जब भी आप आर्क कट करोगे तो दोनों आर्क सेम होने चाहिए कंपास को वहां पर आपको रिड्यूस भी नहीं करना और चेंजेस नहीं करना है मींस आपको कट टू आर्स ओके टू आर्स कट करने हैं आपको पी एंड क्यू मिल जाएगा अपन पी एंड क्यू कट एट पी एंड क्यू कहां पर कट कर रहे हैं ये पी एंड क्यू दो पॉइंट्स है पी एंड क्यू पर कट कर रहे हैं फर्दर आपको क्या करना है जॉइन पी टू क्यू ओके पी टू क्यू को आपको ज्वाइन करना है दैट इंटरसेक्ट दैट इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ जो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा ओ पर क्लियर है सो so, आप यहां से लिख सकते हो सो पी ओ क्यू इज अ पपेंडिक्युलर बाईसेक्टर ऑफ ए बी जो पी क्यू जो आपके पास लाइन है ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का ठीक है तो ये आपके पास स्टेप से कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हो गई अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है जस्टिफिकेशन ठीक है कि जस्टिफाई करो कि ये दोनों पार्ट क्या है आपस में इक्वल है क्लियर है तो देखिए जस्टिफिकेशन क्या होगा इसका मैं स्टेप्स को यहां से रिमूव कर देता हूं देखिए इसका जस्टिफिकेशन आपके पास हो जाएगा जस्टिफिकेशन में क्या करेंगे इस Q को इस Q को आप P से ज्वाइन कर दोगे क्लियर है P को आप B से ज्वाइन कर दोगे नेक्स्ट वन ज्वाइन Q2B टू बी एंड ज्वाइन सॉरी ये आपके पास है AB. बी ज्वाइन ए टू पी बी टू पी क्यू टू ए एंड क्यू टू बी इनको आपने ज्वाइन कर दिया अब देखिए टू ट्राइंगल यहां पर आपके पास फॉर्म हो गए एक तो ट्राइंगल हो जाएगा आपके पास पी ए क्यू एक ट्राइंगल होगा आपके पास पी बी क्यू क्लियर है सो so, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए तो जो पी ए है वो किसके इक्वल होगा वो पी बी के इक्वल होगा क्यों होगा क्योंकि आपने आर्क ड्रॉ किया है और कंपास को सेम ही तो यहां से ड्रॉ किया है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके पास क्या होगी सेम होगी सेम यही आपके पास देखिए ए क्यू एंड बी क्यू भी क्या होगा आपके पास सेम होगा एंड ए क्यू विल बी इक्वल टू बी क्यू क्योंकि आपने आर्क कंपस को सेम ओपन किया है कंपस को चेंज नहीं किया है एक आर्क की कट की सेम उसी मेजरमेंट से आपने दूसरे आर्क कट किए क्लियर है सेम ये हो जाएगा आपके पास और यहां पर आप देखिए पी क्यू एंड पी क्यू ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास कॉमन हो जाएगा सो साइड 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 यहां पर ट्राइंगल पी ए क्यू देट विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू रीजन हो जाएगा आपके पास साइड 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 कॉन्ग्रेंसी ठीक है देर आर टू ट्राइंगल्स पी ए क्यू एंड पी बी क्यू बोथ विल बी कॉन्ग्रेंट बाय द क्राइटेरियन एस 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 कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियन नेक्स्ट वन आप देखिए ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल कॉन्गुरेंट है तो बाई सी पी सी टी आप ये बोल सकते हो कि ये एंगल सपोज मैंने इसको वन नेम दे दिया इसको एंगल टू नेम दे दिया तो एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल हो जाएगा रीजन विल बी बाई सी पी सी टी सी पी सी टी से दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए ठीक है नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पी एंड पी बी ओ इस ट्राइंगल में ले सो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए तो इन दोनों ट्राइंगल में देखिए पी ए पी बी के इक्वल होगा पी ए पी बी के इक्वल होगा नेक्स्ट वन आप देखिए यहां से पी ओ पी ओ दोनों में क्या है कॉमन है पीओ एंड पी ओ दोनों में क्या है कॉमन है क्लियर है नेक्स्ट वन आप देखिए यहां से एंगल वन एंड एंगल टू एंगल वन एंड एंगल टू आप प्रूव कर चुके हो यहां पर क्लियर है तो देखिए यहां पर टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल ओके सो ट्राइंगल पी एओ विल बी कॉन्गोर पी बी ओ ये आपके पास हो गया बाय साइड साइड एंगल बाई से दोनों ट्राइंगल अगेन कॉन्गोरेट हो गए आपके पास दोनों ट्राइंगल कॉन्गोरेंट है तो फर्स्ट तो आपके पास क्या आ गया एओ विल बी इक्वल टू बी ओ ए किसके इक्वल बी ओ के इक्वल एक तो आपको यही प्रूव करना था इससे आपको ये मिल जाएगा कि ये क्या कर रहा है इसको बाइसेकट कर रहा है बट आपको ये भी प्रूव करना है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं सपोज इनको मैं एंड दे दूं तो आपको ये भी प्रूव करना है कि एंगल थ्री जो है एंगल फोर है एंड बोथ आर द नाइनटी डिग्री क्लियर है सो so इसके लिए आप पुट कर सकते हो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं यहां से आप निकाल ही लोगे कि एंगल थ्री जो है वो किसके इक्वल होगा एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा रीजन विल बी बाई सी पी सी टी नेक्स्ट फर्दर आप देखिए एंगल थ्री एंड एंगल फोर दोनों का सम क्या होगा एट्टी डिग्री यूजिंग लीनियर पेयर सो आप पर लिख सकते हो एंगल एंगल प्लस दैट विल बी डिग्री क्या हो जाएगा लीनियर पेयर या तो आप थ्री को रिप्लेस कर दीजिए या फोर को आप रिप्लेस कर दीजिए सो एंगल थ्री के प्लेस पर आपने फोर रखा फोर प्लस फोर वन एट्टी टू एंगल फोर इक्वल टू वन एट्टी तो टू डिवाइड में जाएगा तो एंगल फोर नाइनटी आ जाएगा एंड सेम एज इट इज एंगल थ्री भी आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री क्लियर है सो so, इस टाइप से आप अपने आंसर को अपने कंस्ट्रक्शन को जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं ठीक है तो ये था आपके पास पर्पेंडिकुलर बाई ठीक है प्रोसेस यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओके नेक्स्ट आप मोर देन हाफ जो लाइन सेगमेंट है उसके मोर देन हाफ आप ओपन करोगे कंपस को और वहां से अपसाइड एंड डाउन साइड बोथ ऑफ द फ्रॉम बोथ ऑफ द पॉइंट्स यू विल ड्रॉ टू आर्क्स क्लियर है दो आर्क आप ड्रॉ करोगे उन दोनों आर्क्स को आप क्या कर दोगे जब ज्वाइन करोगे तो जो लाइन आएगा दैट विल बी द दर्पेंडिक बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ओके सो so, आई होप क्लियर होगा ये नेक्स्ट वी विल डिस्कस द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल नेक्स्ट वन देखिए आप बाईसेक्टर ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल देखिए बाइसेक्टर का मीन है आ, एंगल के बाइसेक्टर से मीन का मतलब जो है कि एक कोई भी आपके पास एंगल गिवन होगा ओके देन आपको एक लाइन सेगमेंट ऐसा ड्रॉ करना है जो उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे इस मीन्स अगर सपोज आपके पास एंगल 60 डिग्री है तो उसके टू पार्ट कर दे थर्टी थर्टी डिग्री के क्लियर है देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट होगा सपोज दियर इज अ एनी एंगल एक एंगल गिवन है आपको सपोज ये एंगल गिवन है ए बी एंड सी ओके एंगल ए बी सी गिवन है आपके पास एंगल ए बी सी एनी डिग्री कोई भी डिग्री का हो सकता है ये नेक्स्ट आई हैव टू ड्रो अ लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द एंगल ए बी सी इन टू टू इक्वल पार्ट्स एक मुझे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है या एक लाइन फॉर्म करनी है मुझे जो इस एंगल ए बी सी को क्या करे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे ठीक है तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अ ड्रॉ एन एंगल देन आप कंपास को ओपन करोगे सूटेबल अपने अकॉर्डिंग आप कंपास को ओपन कर सकते हो यहां पर आप बी पर बी पर आप कंपास पुट करोगे और एक आर्क्स कट कर दोगे यहां पर ठीक है बी पर आपको कंपस पुट करना है और एक आप आर्क ड्रॉ कर दोगे आर्क जो ड्रॉ करोगे तो इन टू रेज को एंगल फॉर्म करोगे तो एंगल का फॉर्म होगा तो व्हेन टू रेज मीट एट अ सिंगल पॉइंट ठीक है तो यहां पर टू रेज होगा आपके पास ए बी या बी ए एक रे होगा सेकेंड रे आपके पास होगा बी सी क्लियर है तो इनको टू पॉइंट्स पर यहां पर कट होगा सपोज ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास नेक्स्ट वन आप क्या करोगे यहां पर ये यह जो आपके पास आर्स से इसका मोर देन हाफ बिकॉज आप क्या कर रहे हो बाइसेक कर रहे हो जब भी बाइसेकट करना है तो मोर देन हाफ का कॉन्सेप्ट वैलिड होगा ही होगा क्लियर है सो so यहां पर अब देखिए स्टूडेंट ये पूछ सर मोर देन हाफ ठीक है समझ में आता है मोर देन हाफ हो गया बट मोर देन हाफ मतलब मिनिमम लिमिट तो है कि हाफ से ज्यादा ओपन करना है बट अपर लिमिट क्या होगी तो अपर कोई लिमिट नहीं आप इसको जितना आपकी इच्छा है उतना आप इसको ओपन कर सकते हो बट इतना जरूर ओपन करना एक तो आपके आप, जो कॉपी है आपकी पेज है उससे बाहर निकल जाए ना निकल जाए ठीक है तो इतना ज्यादा ओपन नहीं करना आपको सबसे बेस्ट है कि इसके हाफ से थोड़ा सा आप ज्यादा इसको ओपन कर सकते हो क्लियर है नेक्स्ट वन देखिए यहां पर आपने कंपास पुट किया एक आर्क ड्रॉ किया आपने अगेन यहां पर आपने कंपस्ट पुट किया सेकेंड आप आपने आपने आर्क ड्रॉ किया वेन टू आर्ग इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट तो इस पॉइंट से सपोज ये किसी पॉइंट P पर इंटरसेट करते हैं तो आप क्या करोगे इस B से इस P को ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म कर दोगे आप क्लियर है सो so, ये लाइन है कंप्लीट एंगल था आपके पास ए बी सी ओके इसके टू पार्ट्स हो गए एक तो ये पार्ट हो जाएगा और ये पार्ट एंड बोथ ऑफ द पार्ट विल बी इक्वल क्लियर है यहां पर आप ये बोल सकते हो कि दोनों पार्ट आपस में इक्वल है मीन्स एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी बी पी दोनों इक्वल होंगे और जो आपका मेन एंगल है ए बी सी इसका क्या होंगे हाफ हाफ हो जाएंगे क्लियर है सो so अगर इसका कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स अगर आपको लिखनी है तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हो जाएगी आपके पास ड्रो अ लाइन सेग ड्रो एन एंगल ऑफ गिवन मेजरमेंट्स जो भी गिवन मेजरमेंट है उसका आप एक लाइन एंगल ड्रो करोगे नेक्स्ट टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रो ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुटेबल क्लियर है कंपस कंपस को अपने अकॉर्डिंग आप इसको ओपन कर सकते हो फर्दर आप यहाँ पर जो दो पॉइंट हैं यहाँ से इनको अगेन आप सेंटर लेके और इसकी आर्क के मोर देन हाफ से आप यहाँ पर अगेन यू विल फॉर्म टू आर्क्स ओके वेहर बोथ ऑफ द आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर दैट विल बी द पॉइंट पी नेक्स्ट जॉइन बी पी एंड प्रोड्यूस्ड ओके इसको आपने प्रोड्यूस कर दिया तो ये इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हो जाएगी इसके लिए आप बात करें कि इसको मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं इक्वल हैं क्लियर है मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं इक्वल हैं तो आप देखिए क्या करोगे आप ये जो अभी आपके पास पॉइंट है सपोज इसको मैंने नेम दे दिया डी और इसको मैंने नेम दे दिया ई क्लियर है तो इस डी को मैं पी से ज्वाइन कर रहा हूँ और इसको इससे जॉइन कर रहा हूँ क्लियर है मुझे क्या प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स ये जो दोनों एंगल्स हैं वो दोनों आपस में क्या है इक्वल है आप देखिए डी बी पी एक ट्राइंगल ये हो जाएगा आपके पास ट्राइंगल डी बी पी वन ट्राइंगल विल बी डी बी पी एंड सेकेंड वन आपके पास हो जाएगा यहां से डी बी पी और सेकेंड हो जाएगा ई बी पी यहां पर आप देखिए ई बी पी सबसे पहले देखिए जो डी है वो ई के इक्वल है डी जो है वो ई के इक्वल है क्यों होगा बिकॉज आपने सेम कंपस ही तो रखा है कंपस को सेम ही तो रखा है जब आपने बी से यहां पर आठ ड्रॉ किया तो बी से डी और बी से ई दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे फर्दर आप देखिए डी से आपने सेम डिस्टेंस यहां रखी है और ई से भी आपने सेम डिस्टेंस यहां रखी है कंपस से क्लियर है सो so, यहां पर यह हो जाएगा आपके पास डी पी विल बी इज इक्वल टू ई पी ओके एंड फर्दर आप देखिए जो इनकी बीच वाली साइड है डीपी डी पी ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉमन क्लियर है सो साइड 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 से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट तो आप बोल सकते हो कि ये एंगल जो क्या है डी बी पी बोलो या फिर आप एबीपी बोलो वो जाएगा सी बी पी के कल हो जाएगा ठीक है सो इस टाइप से आप ड्रो कर सकते हो बाईसेक्टर ऑफ एन एंगल क्लियर है सो so, ये टू टॉपिक्स यहां पर कवर अप होते हैं नाउ थर्ड वन वी विल स्टार्ट थर्ड वन आपके पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल आपको एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं ओके okay? एंगल्स आपको क्या करने हैं कंस्ट्रक्ट करने हैं देखिए एंगल्स के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले या फिर आपसे ये बोला जाता है कि जो नंबर 15 से डिविजिबल है एक्चुअली जीरो डिग्री से 180 डिग्री तक के एंगल्स जो हैं वो फॉर्म करेंगे या मेनली वही है वही बेस एंगल्स हैं आपके पास उन्हीं की हेल्प से आप कितने भी डिग्री का आप एंगल्स फॉर्म कर सकते हो मोर देन वन भी आप फॉर्म कर सकते हो बट उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट यही होगा जीरो डिग्री टू वन डिग्री क्लियर है तो यहां पर जनरली आपसे बोला जाता है कि द नंबर विच इज द एंगल या मेजरमेंट ऑफ एन एंगल विच इज डिविजिबल बाय 15 ओके okay? जो 15 से क्या हो डिविजिबल हो उन सब एंगल्स को आप किससे बना सकते हो बाय यूजिंग कंपस ठीक है तो कंपस से आप उन्हें बना सकते हो देखिए इन ला, इस लाइन में सबसे पहले आपके पास यहां पर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 डिग्री कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 डिग्री 60 डिग्री का आपको क्या करना है एंगल कंस्ट्रक्ट करना है यहां पर देखिए 60 डिग्री का आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करना है यहां पर तो 60 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा आप सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया ए बी क्लियर है नेक्स्ट यू कैन टेक एनी सुटेबल कंपास कंपास को ओपन कर सकते हो जो भी आपको सुटेबल लगता है ठीक है जितना भी आपको सुटेबल लगता है उतना ओपन करके और ए पॉइंट पर पॉइंट ए पर आपको कंपस पुट करना है और एक सुटेबल मेजरमेंट से इसको ओपन कर देना है और एक आपको क्या ड्रॉ करना है आर्क ड्रॉ करना है क्लियर है एक आपको क्या ड्रॉ करना है आर्क ड्रॉ करना है फर्दर जितना मेजरमेंट आपने यही रखा है सेम उसी मेजरमेंट को आप यहां से ये यह जो पॉइंट है जहां पर इंटरसेट करेगा उसको यहां से आप कट कर दोगे क्लियर है नेक्स्ट जहां पर जिस पॉइंट पर ये इस आर्क को कट करेगा उसको आप इस ए से ज्वाइन कर दोगे ए से ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी 60 डिग्री ओके okay? तो ये जो एंगल फॉर्म होगा आपके पास ये होगा आपके पास 60 डिग्री तो ये है आपके पास प्रोसेस 60 डिग्री आपसे कोई पूछे इसका जस्टिफिकेशन करो तो इसके जस्टिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो एक अपने अकॉर्डिंग किसी भी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो ठीक है ये आपने एक रेडियस फॉर्म किया और एक सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया क्लियर है एक सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया यहां पर ओके? Okay? उसी मेजरमेंट से जितने रेडियस का आपने सर्कल ड्रॉ किया है सेम उसी मेजरमेंट से आपको यहां से यहां से आर्क कट करने हैं, ये फर्स्ट आर्क हो जाएगा आपके पास क्लियर है नेक्स्ट यहाँ पर आप कंपास पुट करोगे ये सेकेंड आर्क हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट यहां पर आप कंपास पुट करोगे ये थर्ड आर्क हो जाएगा आपके पास क्लियर है नेक्स्ट यहां पर आप आर्क पुट करो कंपास पुट करोगे फोर्थ आर्क यहां पर आप पुट करोगे फिफ्थ आर्क और यहां से वापस पुट करोगे ये ठीक है तो ये आपके पास यहां से अगर आप इनको ज्वाइन कर देते हो इसके सेंटर से इनको आप ज्वाइन कर देते हो सेंटर से इस टाइप से

तो 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है आपके पास क्लियर है सो so यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंगल थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास कितना है 360 डिग्री सिक्स थीटा जो है वो आपके पास कितना होगा 360 डिग्री आपको यहां से थीटा फाइंड आउट करना है सो so थीटा हो जाएगा आपके पास थ्री डिवाइड बाई सिक्स तो ये हो जाएगा आपके पास सिक्सटी डिग्री तो जो आपके पास एंगल होगा थीटा उसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी 60 डिग्री तो इस टाइप से आप इसको अपने आंसर को क्या कर सकते हो जस्टिफाई कर सकते हो ठीक है अगेन इसी में आपको फॉर्म करने के लिए बोले कि आपको 120 डिग्री फॉर्म करना है 120 डिग्री आपको फॉर्म करना है तो देखिए आप क्या करोगे सेम वही प्रोसेस है आपके पास सेम वही प्रोसेस है आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे ए बी ए बी आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे क्लियर है नेक्स्ट अपने आप कंपस को ओपन कर सकते हो ठीक है जितना भी आपको सुटेबल लगता है उतना आप इसको कंपस को ओपन कर सकते हो नेक्स्ट पुट द कंपस ऑन पॉइंट ए एंड ड्रॉ अ ड्रॉ एन आर्क एक आपने आर्क ड्रो कर दिया क्लियर है यहां से फर्स्ट जो कट किया था आपने दैट इज सिक्सटी डिग्री सेकेंड यहां से कट करोगे कितना मिल जाएगा 120 डिग्री क्लियर है तो इस लाइन को अगर आपने इससे ड्रॉ कर दिया ज्वाइन कर दिया तो ये जो एंगल हो जाएगा दैट विल बी 120 डिग्री ये हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री ठीक है सपोज और आप आगे बढ़ते हो यहां से इस टाइप से तो इस टाइप से जो एंगल फॉर्म होगा टोटल एंगल ध्यान देना यहां से यहां तक वो टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपके पास वन डिग्री ये आपके पास हो जाएगा एंगल क्लियर है तो देखिए 60 हो गया आपके पास 120 हो गया 180 डिग्री हो गया ठीक है अब इनके बाइसेक्टर वाले जो एंगल्स हैं वो फॉर्म करते हैं यहां पर देखिए जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल में आपसे बोला गया है कि 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करो आप एंगल ऑफ 30 डिग्री अब देखिए 30 डिग्री जो होगा वो 60 का बाइसेक्टर होता है क्लियर है मीन्स आप 60 डिग्री आप एंगल फॉर्म कर सकते हो एंड 60 डिग्री का बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर दो तो 60 का जो हाफ होगा वो 30 डिग्री होगा बाइसेक्टर कैसे फॉर्म होता है वो मैंने सिखा दिया है यहां पर आपको तो देखिए यहां पर आप सबसे पहले सिक्सटी डिग्री एंगल फॉर्म करोगे एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करोगे ए बी क्लियर है कंपास को आपको ओपन करना है जो भी आपको सुटेबल हो ठीक है ए पर आपको कंपास पुट करिए आप नेक्स्ट आप एक आर्क फॉर्म कर दोगे ये आपके पास आर्क आ गई नेक्स्ट वन देखिए सेम इसी मेजरमेंट से यहां पर आप फर्स्ट कट लगाओगे सो इससे जैसे अगर आप ज्वाइन करते हो तो कितना डिग्री मिल जाएगा आपको 60 डिग्री मिल जाएगा बट 60 थोड़ी बनाना है आपको आपको तो 30 डिग्री फॉर्म करना है क्लियर है सो ये जीरो डिग्री वाला पॉइंट है आपके पास और ये 60 डिग्री इन दोनों का आप क्या कर दीजिए बाइसेकट कर दीजिए का वही प्रोसेस है इसका आपको करना है तो इसके मोर देन हाफ आप ओपन करोगे आप आर कट करोगे इसका मोर देन हाफ ओपन करोगे आप आर कट करोगे और इससे इनको ज्वाइन कर दोगे आप ठीक है तो ये जो एंगल फॉर्म होगा आपके पास यहां पर दैट विल बी थर्टी डिग्री क्लियर है ये कितना हो जाएगा आपके पास थर्टी डिग्री सपोज आपसे बोला जाता कि यहां पर आपको कितना बनाना है 45 डिग्री ओके okay? या फिर सपोज ये ले लेते हैं 15 डिग्री एंगल ऑफ 15 डिग्री आपको फॉर्म करना है तो ध्यान रखिए 15 डिग्री एंगल जो है विच लाइज बिटवीन जीरो डिग्री एंड थर्टी डिग्री जीरो डिग्री और थर्टी डिग्री के बीच में होगा तो आप क्या कर सकते हो जीरो डिग्री एंड थर्टी डिग्री का क्या कर सकते हो बाइसेक्ट कर सकते हो आप यहां पर ठीक है देखिए जीरो डिग्री आपके पास है यहां से आप अब देखिए जीरो यहां है और थर्टी यहां है तो इन दोनों पॉइंट पर आपको पुट करना है कंपास जब आप बाइसेक्ट करोगे इसका क्लियर है तो यहां पर आप कंपास पुट करोगे यहां पर आर्क हो जाएगा यहां पर आप पुट करोगे यहां पर आपके पास आर्क हो जाएगा क्लियर है अगेन आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये जो एंगल फॉर्म होगा यहां पर आपके पास ये होगा आपके पास फिफ्टीन डिग्री कितना हो जाएगा ये आपके पास 15 डिग्री हो जाएगा क्लियर है सपोज आपको यहां पर ड्रॉ करना होता 45 डिग्री ओके okay? 45 डिग्री या 45 जो है इट इट लाइज बिटवीन 30 एंड 60 डिग्री क्लियर है तो यहां पर आप देखिए 60 तो आपको फॉर्म करना ही होता है इस 15 वाले को मैं रिमूव कर देता हूं यहां से वापस देखिए थर्टी तो आपको फॉर्म करना ही होगा सिक्सटी फॉर्म होगा ठीक है देखो पहला एंगल जो सिक्सटी है वो तो फॉर्म होगा ही से बेटा आपके पास क्लियर है देन उसके बाद की प्रोसेस है ये बाद में अब फोर्टी फाइव ड्रॉ करना है सो फोर्टी फाइव जो है वो जीरो आ, थर्टी डिग्री और सिक्सटी डिग्री के बीच होता है कहीं पर इसको फोर्टी फाइव को जीरो और नाइनटी का भी बना देते हैं तो वो भी बिल्कुल सही प्रोसेस है ठीक है आप यहाँ पर देखिए थर्टी और फोर्टी फाइव तो यहां पर यह आप सिक्सटी डिग्री है और ये आपके पास थर्टी डिग्री इसका बायसेट आप कर दीजिए तो देखिए यहां से आपने बायसेट किया और ये बायसेट कर दिया तो इससे जैसे आप इसको मिलाओगे तो ये एंगल देखिए थर्टी तो ये ऑलरेडी था ये टोटल कितना था थर्टी थर्टी का आपने ये बाइसेट कर दिया तो ये कितना आ गया फिफ्टीन थर्टी और फिफ्टीन ये टोटल मिलाकर आपको कितना मिल गया फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाता है ठीक है आगे भी सेम यही प्रोसेस आपके पास अप्लाई होगी तो एक दो एंगल आगे बना के देख लेते हैं देखिए आगे जैसे आपसे बोला जाए एंगल आप बनाइए 90 डिग्री 75 डिग्री 105 डिग्री ये तीन एंगल्स आपको फॉर्म करने हैं देखिए सबसे पहले वही प्रोसेस है आपके पास एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करोगे एक लाइन आप फॉर्म करोगे देन कंपस को सुटेबल ओपन करके आप कंपस आर्क ड्रो दो कर दोगे यहाँ से फर्स्ट जो कट आप लगाओगे वो 100 परसेंट कितना मिलेगा आपको 60 डिग्री ही मिलेगा क्लियर है नेक्स्ट यहाँ पर आप पुट करोगे तो अगेन 120 ट्वेंटी बिकॉज आपको 90 फॉर्म करना है 90 कहाँ लाई करता है 60 और 120 के बीच में क्लियर है तो यहां पर आपको 60 वाला आर्क मिल गया 120 वाला आर्क मिल गया आप इस आर का इसका बाइसेक्ट बना लीजिए यहाँ से आप इधर कट करोगे यहाँ से आप इधर कट करोगे इनको जो जैसे आप ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा आपके पास 90 डिग्री क्लियर है अगेन आप देखिए आपको 75 फाइव फॉर्म करना है 75 फाइव कहाँ फॉर्म होगा 60 और 90 के बीच में ये 60 डिग्री आपके पास ये 90 क्लियर है यहाँ से आप यहाँ ड्रॉ करोगे और यहाँ से यहाँ तो ये जो एंगल होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा सेवनटी फाइव डिग्री नेक्स्ट आपको फॉर्म करना है 105 डिग्री तो 105 डिग्री जो होगा वो 90 एंड 120 के बीच तो आप इसका बाइसेप कर दीजिए सो so, यहां से देखिए यहां ड्रॉ करोगे यहां से यहां ड्रॉ करोगे ये तो स्टार्ट यहीं से होगा यहीं से इस लाइन के लिए जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा आपके पास 105 डिग्री क्लियर है तो यहां पर ये यह कुछ एंगल्स देख लिए एक लास्ट तीन एंगल्स बच रहे हैं उनको भी देख लेते हैं देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स में यहां पर देखते हैं 150 डिग्री 135 एंड डिग्री एंड लास्ट वन हो जाएगा आपके पास 165 डिग्री ये एंगल्स बनाने बाय यूजिंग कंपस ठीक है देखिए आप इन एंगल्स को आपको फॉर्म करना है 150, 135 एंड 165 ठीक है यहां पर देखिए प्रोसेस वही है सबसे पहले आप एक लाइन फॉर्म करोगे ए बी कंपस आप ओपन करोगे अपने अकॉर्डिंग सुटेबल जो भी आपको लगता है थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया यहां से मैंने ये ओपन कर लिया क्लियर है आप देखिए इसको देखिए ए है फर्स्ट आप कट कट करोगे 60 डिग्री सेकेंड कट आपको मिलेगा 120 डिग्री और थर्ड कट मिलेगा आपको 180 डिग्री अब देखिए पहले बात करें 150 की तो यहाँ तक 120 है और ये 180, है इसके बीच में अगर आप बाई कर दो तो 30 डिग्री मिल जाएगा आपको यहाँ पर 120 ऑलरेडी है सो so, यहाँ पर 150 डिग्री आपको मिल जाएगा क्लियर है तो यहां से आप आर कट करोगे इधर यहां से आप इधर आर कट करोगे और इसको आप ज्वाइन कर दोगे इससे ठीक है तो ये जो एंगल हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी डिग्री क्लियर है नेक्स्ट बात करें वन थ्री फाइव तो वन थ्री फाइव मिलेगा यहां पर वन ट्वेंटी और वन हंड्रेड फिफ्टी के बीच में वन ट्वेंटी और यहां से आर कट कर दोगे यहां से आर कट कर दोगे यहां पर ठीक है नेक्स्ट अगर आप तो ये एंगल फॉर्म हो जाएगा वन हंड्रेड थर्टी फाइव नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना है 165 तो ये हो जाएगा 150 और 180 के बीच में यहां पर इस टाइप से तो ये हो जाएगा आपके पास ये थर्ड वन क्लियर है तो इस टाइप से आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स अब देखिए क्वेश्चन में आपसे स्पेशली नहीं बोला जाएगा कि आप प्रोटेक्टर से फॉर्म करें एंगल्स या फिर आप किससे फॉर्म करें कंपस से फॉर्म करें ठीक है तो ध्यान दीजिए जो एंगल्स 15 से डिविजिबल हो वो सारे एंगल्स आपको कंपस से ही फॉर्म करने हैं क्लियर है जो भी 15 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे एंगल्स वो सारे आपको किससे ड्रॉ करने हैं कंपस से ही ड्रॉ करने हैं जो भी 15 से डिविजिबल होगा क्लियर है जो 15 से डिविजिबल नहीं हो रहा कंप्लीटली उसको आप फॉर्म कर सकते हैं हालांकि आगे भी कर सकते हैं जैसे फिफ्टीन डिग्री आपने ड्रॉ कर लिया फिफ्टीन डिग्री का आप बाइसेक कर दो तो सेवन एंड हाफ डिग्री आपको मिल जाएगा यहाँ से ओके okay? तो फर्दर और कर सकते हैं बट मिनिमम फिफ्टी से डिविजिबल जो नंबर है या जो एंगल्स है वो सारे के सारे आपको यहीं से करने हैं ठीक है थीके? अब देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल को भी अगर देखा जाए क्लासीफाई यहां पर आपके फोर टाइप से किया गया है ठीक है फोर टाइप्स से क्लासीफाई किया गया है इसको जैसे इसमें फर्स्ट टाइप आपके पास यहां पर देखिए देखो तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इक्वीलेट्रल ट्राइंगल हुन साइड इज गिवन जिसकी आपको साइड गिवन है एक इक्विलेटर ट्राइंगल आपको क्या करना है कंस्ट्रक्ट करना है ठीक है तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन के थ्रू इसको लेते हैं जैसे आपके पास क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन इक्वीलेटर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटर ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ साइड फाइव सेंटीमीटर ओके फाइव सेंटीमीटर साइड है वो आपको क्या करना है कंस्ट्रक्ट करना है तो देखिए यहां पर क्या करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन में मेरा सजेशन आपको ये है कि इसका रफ डायग्राम आप फॉर्म कर लें उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए अगर इसका एक रफ डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो ए बी सी एक मेरे पास ट्राइंगल हो गया रफ फिगर बी सी ये फाइव है इक्विलेटरल है तो इसकी थ्री साइड्स क्या होगी आपके पास इक्वल हो जाएगी फाइव सेंटीमीटर ये भी आपके पास हो जाएगा फाइव सेंटीमीटर और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा फाइव सेंटीमीटर ये आपके पास हो गया ओके okay? अब आप देखिए क्या करना आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्रॉ करना है एक लाइन सेगमेंट BC. आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया कितना BC जो आपको गिवन था क्लियर है अगेन आप यहाँ पर रफ फिगर में देख सकते हो कि डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए फाइव है एंड डिस्टेंस फ्रॉम सी टू दैट इज ऑल्सो फाइव तो बी से A की डिस्टेंस फाइव है आप कंपास को ओपन करोगे कितना फाइव सेंटीमीटर आप ओपन करोगे तो बी से ये फाइव सेंटीमीटर और सी से ये फाइव सेंटीमीटर क्लियर है तो दोनों आर्क कट हुए आप इनको ज्वाइन कर दोगे फर्दर ये फाइव सेंटीमीटर है आपके पास और ये भी आपके पास कितना है फाइव सेंटीमीटर है क्लियर है तो इस टाइप से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप इसके स्टेप्स की बात करें तो देखिए स्टेप्स में क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रो असगमेंट बी सी टू फाइव सेंटीमीटर क्लियर है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर अगेन आपने क्या किया बी से ए कितना ओपन किया फाइव और सी से ए फाइव क्लियर है सो so नेक्स्ट हो जाएगा टेकिंग बी एंड सी एज अ सेंटर ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ ईच फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर के टू आर्क्स आपने ड्रॉ किए इंटरसेक्ट पॉइंट ए ओके क्या हुआ क्या था सेकेंड स्टेप टेकिंग बी एंड सी एज अ सेंटर ड्रो टू आर्क्स ऑफ ईच फाइव सेंटीमीटर दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए जोइन ए टू बी एंड जोइन ए टू बी ए टू सी क्लियर है सो वी गेट रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी एंड सी ठीक है तो ये फर्स्ट था आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल में इसके थ्री पार्ट और हैं अभी दो क्लियर है थ्री पार्ट्स है? और हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन ओके आई होप आपको समझ में आया होगा ओके थैंक यू